आपको गली है बन चुका है और सेकंड रूम में हम चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या क्या और अभी इस ईद के द्वारा ही अभी जाने का रास्ता है। अभी उसके बाद दीपक जलता है शाम को। तो चलिए सेकंड रूम में हम आते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि बाथरूम वगैरह अभी है प्रेजेंट में। फ़िलहाल में इस रूम में पानी वगैरह की यहाँ व्यवस्था है और यहीं पर मेरा स्नान वगैरह होता है, नहाना वाना फ्रेश होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं किस तरीका से रूम में पूरे तरीका से वहाँ मोटर वगैरह लगा हुआ है जहाँ से पानी वगैरह कैसे होता है। और यहाँ देख रहे हैं अलमीरा वगैरह सब मैंने मेकिंग करा दिया है और साथ ही हम देख रहे हैं कि साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह सारे चीज़ें। तो ये जो रूम है आप लोग बताऊँगा कि ये मेरा बेडरूम रहेगा यानी कि सोने वाला रूम रहेगा और अभी फ़िलहाल ये बाथरूम के रूप में यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग को मैं अब थर्ड रूम दिखाऊँगा जहाँ से अभी मैं यहाँ पर पाइप लगा रहा हूँ चूँकि उधर में पानी भेजना है। तो यहाँ देख सकते हैं पाइप के द्वारा पानी वगैरह रिलेटेड जाता है। तो दूसरे रूम में मैंने आपको बता भी दिया है, पहले भी बताया था कि बेडरूम वगैरह इसमें मैं अपना सेटअप करूँगा क्योंकि ये थोड़ा बिग रूम है। और चलते हैं तीसरे रूम में जहाँ पर हमारा यूट्यूब सेटअप यानी यूट्यूब टावर बनेगा यानी कि एक गरीब का यूट्यूब सेटअप बनेगा। और ये काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत के बाद इतना मैंने कोशिश कर के बनाया है जो आप देख सकते हैं। इतना तक पुराना वाला घर जो आप देख रहे हैं अंदर में ट्यूबलाइट वगैरह जल रहा है वो काफ़ी नीचे में हो गया है। तो चलिए तीसरे रूम में।